की देर रात जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार रही थी तो मैं एनसीआर में बैठा था, मैच देख रहा था। उसके बाद मैंने अपने विचार सिली पॉइंट के जरिए आप लोगों तक पहुंचाए, लेकिन कैप्टन और कोच को लेकर जो गुस्सा था, जो उनकी स्ट्रेटजी पर गुस्सा था, वो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था। जनता का भी मानना था कि कैप्टन रोहित और कोच राहुल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझने में चूक रहे हैं, चाहे फिर वो बॉलिंग चेंजेज हो या फिर तमाम सारे प्रयोग। और इस मैच को कवर करने के लिए हमारे साथी विजय और गरिमा मोहाली में मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने लोगों से बात की, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आए जनता की तरफ से। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि रोहित शर्मा से गलतियाँ हो रही हैं, कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रोहित को कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए। अब सुनिए जनता ने गरिमा से क्या कहा। रोहित शर्मा एक आधा मैच में 10 मैच में से 1 मैच में चलते हैं, है कि नहीं, और उन्हें हर मैच में वो कप्तान है, वो खेलेंगे। आज भी वही हुआ, 9 बॉल खेल के वो आउट हो गए। बैटिंग तो उनकी अच्छी हो नहीं रही, कोहली सब करते हैं। कोहली ने पिछले मैच में शतक मारा, इस मैच में नहीं अच्छा खेले, पर अभी हम लोग हार्दिक पांड्या से काफ़ी खुश हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी पारी खेली है। बॉलर नहीं मिल रहे, बॉलिंग इंप्रूव करें, रोहित को कहा जा रहा है अगर कैप्टनसी नहीं करी जा रही तो एक बार थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले। इतना स्कोर दिल टूटा है मोहाली में 80,000 दर्शकों का, ध्यान दें रोहित, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होनी चाहिए गलती। हर्षल पटेल को चेंज करो, बॉलर को अच्छा बॉलर लाओ ताकि बॉलिंग में कमी थी। कप्तानी तो अभी रोहित शर्मा की नहीं, केएल राहुल को कप्तानी दी जाइए। भुवनेश्वर कुमार में एशिया कप में रन डाला, यहाँ पे डाल दिया, उसे पहले ओवर दो, लास्ट में मत दो। लास्ट में इतने बॉलर हैं, उमेश यादव पड़ा, उसे दे देते, वो इतने रन ना खाता। 3/4 ओवर में मायने रहते हैं, 19th ओवर में। लेकिन ये तो कप्तान को भी समझना चाहिए ना कि आप भुवी को डेथ ओवर क्यों दे रहे हो जब आपके लिए पावर प्ले में वो खूब सारे अच्छे से गेंदबाजी करते हैं। उससे आप नहीं समझ में आती। एक्चुअली क्या है, इस टाइम कैप्टनसी बहुत अंडर प्रेशर हो गई है क्योंकि टीम नहीं मिल रही हर कैप्टन को अपनी, उससे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा टीम का, तो सारा का सारा जो रिजल्ट है वो कैप्टन के ऊपर चला जाता है। तो इस टाइम कैप्टनसी करने के लिए रोहित के अलावा शायद कोई कैपेबल है ही नहीं। एक कैप्टन के लिए एक सजेशन है, अगर भुवनेश्वर कुमार से बॉलिंग भी करवाते हैं तो सिर्फ पावर प्ले में करवाएं, या फिर 4 ओवर बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यूसली फेंकवा दें, क्योंकि लास्ट में बॉल स्विंग नहीं होती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, डेथ ओवर में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी तो एक्चुअल में इंडियन टीम खुद ही सोच रही है, कन्फ्यूज़ है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। अभी तो कैप्टन को लेकर भी कोई कहता है कोहली को बनना चाहिए फिर से, कोई कहता है कि रोहित शर्मा अच्छा कैप्टन है, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा चल रही है अभी टीम में, तो इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। सही कप्तानी मैं कहूँगा नहीं चल रही है, बिकॉज ये लोग एक लाइनअप नहीं, ये लोग टेस्ट कर रहे हैं हर प्लेयर को। अगर कंसिस्टेंट ये लोग सेम टीम रखेंगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसमें शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा अच्छा सा। अब तुम हर सीरीज़ में अलग अलग प्लेयर रखोगे तो इतना पता नहीं चलेगा कौन प्लेयर अच्छा खेल रहा है, तो वर्ल्ड कप की तैयारी ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कैसी हो। तो सुना आपने, कैप्टन रोहित और राहुल द्रविड़ से जिन उम्मीदों के साथ उनको लाया गया था, लोगों को जो उम्मीदें थीं वो अब थोड़ी सी टूटती दिख रही हैं, लेकिन अभी इस सीरीज़ में 2 मैच और बाकी हैं। उनकी सारी कवरेज आपको यहाँ मिलती रहेगी, हमसे जुड़े रहिए। शुक्रिया।